पत्थर सबके बनाते हैं भाई इतनी हाइट में, देखो कितना महंगा पड़ता होगा ये सामान ले जाना करना। देखो देखो भाई यही इनका साधन है, जैसे रेगिस्तान में ऊंट होते हैं इसी प्रकार पहाड़ों में ये खच्चर रहे हैं। सर्दी ठंड है यहाँ पे। हाँ बैठते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अभी मैं नीचे एक गांव था वहाँ जा रहा था, तो बीच में ही मैडम मिले। जब इनसे बात की तो इन्होंने अंकल जी से मिलाया, और अंकल जी रहते हैं बिल्कुल गांव में। तो अभी अंकल जी के साथ चलेंगे, गांव में लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है ये गांव। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? शंभू सिंह कनवाल। अच्छा शंभू सिंह जी है हमारे साथ आज, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से कितना दूर है आपका गांव? दूर बहुत है। बहुत दूर है? हाँ। और आपकी उम्र क्या हो गई? मेरी 63 साल चली गई। कितनी? 63 साल। अच्छा 63 के आसपास हैं। फिर भी आप देखो यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं वो कितने मेहनती हैं। अभी पैदल जाएंगे 3-4 किलोमीटर। हाँ पैदल। और सीधा रास्ता नहीं है, चढ़ाई है? चढ़ाई भी आगे से चढ़ाई है। अच्छा बजून से? अच्छा आगे बजून पड़ता गांव। अच्छा ग्राम से अलग बदलती है खोबाताल की और बजून की। अच्छा वहाँ चढ़ाई ऊपर को खड़ी खड़ी चढ़ाई। हाँ अरे भैया चलो आनंद लेते हैं। और दूसरा और वहाँ से बहुत कुछ दिखेगा आपको आगे को। अच्छा बहुत अच्छा गाँव बढ़िया दिखेगा। तो दोस्तों सिरमुड़िया शहर दिखेगा, घल्ला दिखेगा। अच्छा काला डूंगी हल्द्वानी सब दिखता है। चलो तो दोस्तों वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों गाड़ी मिल गई थी और नीचे की तरफ अंकल जी बैठ गए। ये पहाड़ी क्षेत्र में घूमना काफ़ी कठिन होता है पैदल। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से, ये वाला रास्ता है ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये भी वैसा अगर जाएंगे तो देखते हैं। ये जाएंगे क्या अंकल जी? नहीं वो पैदल रास्ता है। अच्छा आप गाड़ी नहीं जाती? गाड़ी नहीं जाती? नहीं। तो दोस्तों इधर कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाएगी, ऐसा ऊपर चट्टान की तरफ है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर है? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। दोस्तों आप इधर से देख रहे हैं एक पहाड़, ये खिसक गया है ऊपर से। देखो ये मिट्टी ऐसे खिसक जाती है, जिसको भूस्खलन बोलते हैं ना, वैसा हो गया। देखो ऊपर बहुत सारे पेड़ भी हैं और जब ये खिसकते हैं तो सब कुछ टूट जाता है। तो ये थोड़ा रिस्क रहता है पहाड़ों में, जब बारिश वगैरह होती है उन दिनों में काफ़ी समस्या रहती है। अच्छा जो सामने वाला ये बलिया खान। अच्छा हाँ दिखा दे रहा आपको। हाँ दोस्तों ये बलिया खान है। बलिया खान? हाँ आप देख रहे हो पहाड़ों के बीच में कैसे बसा हुआ है। हाँ। तो वहाँ कोई रोड नहीं है? रोड है वो हल्द्वानी नैनीताल की रोड है। अच्छा जो हल्द्वानी से आती है नैनीताल। हाँ। के लिए वो रोड पर। और ये ऊपर जो है एक और ठेठ ऊपर ये वहाँ है हनुमानगढ़ के बोलते हैं। अच्छा हनुमानगढ़ का। हाँ तो भैया आप देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, और इधर ये पहाड़ ये बन गया लगा है, टूट गया शायद यहाँ से। हाँ टूट गया है पहाड़ी बरसात में। बरसात में ऐसे टूट जाता है? टूट जाता तो है। नुकसान भी होते हैं खूब? नुकसान भी पत्थर आते हैं, पत्थर गिर जाते हैं। नहीं भैया ये देखो पहाड़ों में ये खतरा रहता है। तो दोस्तों देख रहे हो आप ऐसे कच्चा रास्ता, फोटो नहीं लिया आपने? ऐसी सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, अब ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा। चलो अंकल जी। भैया आप अंकल जी को देखो 65 साल की उम्र में भी कितना पैदल चलते हैं। ये आदमी है बहुत अच्छा। हाँ नमस्कार भाई साहब, क्या लिए हुए हाथ में? रेता भरा। रेता रेता भरा है? इधर आप देख रहे खच्चर है भाई, पहाड़ों में यही काम करता है। हाँ, में यही काम करता है। चलो भाई क्या बात है। अब ये सामान ले जाके ये मकान वगैरह बनाने के लिए? हाँ मकान के लिए।
लेकिन देखो भाई यही इनका साधन है, जैसे रेगिस्तान में ऊंट होते हैं इसी प्रकार पहाड़ों में ये खच्चर इनका मतलब बड़ा साधन समझ लो। हाँ ये साधन हुए। हाँ हाँ भाई क्या जिंदगी है भाई, दुनिया इतनी खूबसूरत है दोस्तों कि जितना घूमो उतना कम है। दुनिया के अलग अलग भौगोलिक परिदृश्य आपको देखने को मिलेंगे। बिगड़ से बिगड़ गांव है। अच्छा तो दोस्तों ऐसे ही हम इस पूरे उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल लद्दाख कश्मीर की सैर कराएंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। ये जो खंडर बने हैं हाँ हाँ इसमें छत पड़ी थी। हाँ हवा ने सारे उड़ा दिए। अच्छा हवाओं ने ये छत उड़ा दी। हाँ दोस्तों आप देख रहे हो ये जो खंडहर पड़े हुए हैं ये सब हवा तूफान जब आते हैं इन्हें उड़ा दिए। अच्छा फिर आप वापस बना देते हो घर? अगर घर भी उड़ जाता है तो वापस यहाँ सब ऐसे ही ईंटों के बने हुए? अच्छा पत्थर सब के बनाते हैं भाई। इतनी हाइट में देखो कितना महंगा पड़ता होगा ये सामान ले जाना करना। देखो जब अभी घोड़ा जा रहा है यहाँ पर से 150-200 रुपए का घोड़ा जा रहा है। अच्छा 200 रुपए का है ये सामान एक घोड़े में? 160 रुपए का। 160 रुपए लेते हो इसका है ना? अच्छा ऐसे कितने डालने पड़ते हैं? कितने डालने पड़ते हैं? कहाँ 2-3 बालते हैं दिन भर में। अच्छा तो दोस्तों आखिर हम पहुंच गए हैं उन गांव में। ये ग्राम पंचायत के अंदर छोटे छोटे तोक होते हैं, यहाँ तोक बोलते हैं गांव को, जो एक ग्राम पंचायत के अंदर 4-5 गांव होते हैं। यहाँ पे लगभग 15-16 परिवार है ऐसे ही ना गली। हाँ देखिए इधर कुछ खाना वाना पका रहे होंगे। ईंटों और पत्थरों के मकान हैं यहाँ, काफ़ी खूबसूरत गांव है, छोटे छोटे घर हैं और इसी के बीच में ये ज़मीन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खेती बाड़ी करते हैं। नमस्कार। हाथ ताप रहे हैं? सर्दी ठंड है यहाँ पे? हाँ बैठते बैठे अंकल जी। आप तभी है थोड़ी देर बैठते हैं, रात को तो माइनस में जाता होगा। माइनस में चले जाता है। लेकिन देखो यहाँ के लोग तो जो सर्दी में रहते हैं इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता सर। इनके स्वेटर वगैरह नॉर्मल में ये काम चला लेते हैं। नॉर्मल में काम चला लेते हैं। और बाकी भैया ठंड तो है यहाँ, ये काफी हाइट में है। अब इसकी कितनी हाइट है मुझे नहीं पता, बहुत हाइट में ये गाँव है। ये गाँव कौन सा अंकल जी? ये पाटियाखान। पाटियाखान जी हाँ, पाटिया खान गांव है। और ग्राम सभा बजून पड़ती है। कौन सी ग्राम सभा? बजून। बजून तो पाटिया खान। तो ग्राम पंचायत है इनकी बजून। ग्राम पंचायत। लेकिन एक चीज है कि गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो सुकून से रहते हैं। शहर से आगे शहर वाले लोग पैसे हैं सुकून नहीं है, गांव वालों के पास पैसे कम और सुकून ज्यादा है। सुकून है इसीलिए तो ये गांव में बैठे। शहर से दूर सुकून की जिंदगी जियो, खुले आसमान में शुद्ध वातावरण। लेकिन अंकल जी यहाँ से जब आप मकान बनाते हो जी, लो तो सामान तो बहुत दूर से लाना पड़ता है। सर वो धाम मंदिर है। घोड़े से जो आ रहे थे सामान, तो एक जो ये कंक्रीट लाते हो ये हल्द्वानी से आता है। हल्द्वानी से तो कितने रुपए में पड़ता है एक? ये सर यहाँ पड़ता था कभी करीब, अब ये ढेर कम से कम 16-17 हजार का है। 17 हजार का है ये जो कंक्रीट आप देख रहे हो। मुंगिया बोलते क्या बोलते हैं हमारे इधर? मुंगिया बोलते हैं टोंडे बम पता नहीं। हाँ इनका भाषा में कुछ बोलते हो। ये 17-18 हजार का है ये इतना सा। फिर ये अलग अलग है रहता है ये। तो अभी वो अंकल जो आ रहे थे वो आपको देखा ही, आपने
कि वो बता रहे थे एक जो घोड़े पे है वो 150 रुपए लेते हैं चक्कर, एक चक्कर का। यहाँ तो पहाड़ी क्षेत्र में महंगाई बहुत ज्यादा है। तो अंकल जी वहाँ से आप सामान लाते हैं तो सब कंधे पे उठाते हैं? कंधे में। तो आटा वगैरह कहाँ पिसाते हो? आटा वही बजून से। बजून से? हाँ बजून से। वहाँ तक गाड़ी लाती है? हाँ वहाँ से। हाँ वहाँ से गाड़ी? हाँ दुकानदार लाते हैं वो, हम वहीं से दुकान से खरीदते हैं। तो 10 किलो आटा उठा के ले आके आ जाओगे कंधे में? हाँ आपसे तो नहीं उठेंगे लेकिन आप उठा के लाओगे? मैं तो ले आऊंगा। अच्छा सही बात है। और भी जो भी सामान लाना होता तो नीचे से वहीं से आना पड़ेगा? वहीं से सब सामान वहीं से। अच्छा चीनी पत्ती खत्म होगी तो सब वहीं से, मतलब हर चीज हाथ से करनी पड़ती है? हर चीज सही है। मटर तोड़नी है यहाँ, मतलब खेती में क्या क्या होता है? मटर, आलू, लहसुन। अभी सब्जी का सीजन है? हाँ अभी मटर मुर्गी की खेती। और जो सब्जी हो जाएगी उसके बाद गर्मियों के बाद? हाँ गर्मी के बाद फिर बरसात आएगी तो धनिया मूली सब्जी ही बोते हो? हाँ सब्जी। हाँ और अनाज वगैरह बोते हैं? गेहूँ भी कम बोते हैं? गेहूँ भी बोते। गेहूँ चावल होते हैं? नहीं होता। चावल के लिए पानी चाहिए? पानी चाहिए। और उसमें वो मिट्टी भी वैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही। यहाँ तो पत्थर है, पत्थर है इसलिए ज्यादा पानी नहीं होता। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अंकल जी के घर पे, जो काफी दूर जंगल में ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। और तो अभी आपको मिलाते हैं यहाँ पे और इनका घर दिखाते हैं। ये भाई साहब बैठे हैं जो अंकल जी के बेटे हैं। नमस्कार। शुभ नाम आपका? पंकज सिंह कनवाल। हाँ पंकज सिंह जी हैं जो यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। और ये अच्छा खासा बना हुआ कमरा है, रूम बढ़िया। और बाहर से आप देखोगे तो नाइट हो चुकी है, अच्छा स्पेस भी है और बिल्कुल एकांत में ये बसा हुआ घर है।